नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी काशी विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज के छात्र जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। छात्रों ने मिलकर बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और अपनी जो समस्याएं हैं उस ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक पूरा लिस्ट आउट कर रहे हैं कि हम इन विभिन्न समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मदद करने वाला है वो कोई नहीं है। कुछ ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूं जिसके माध्यम से मुझे उन सभी छात्रों की समस्याएं मालूम पड़ी हैं और साथ ही साथ उन समस्याओं को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि अब ये पूरी बातें पब्लिकली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो भी इस वीडियो को प्रोफेसर्स देख रहे हैं वो भी इस पर विचार करें, इस वीडियो को जो पब्लिक देख रही है हमारी वो भी विचार करें, और बाकी जिन छात्रों को भी नहीं पता है ये समस्या उनको भी पता चले कि एक्चुअली BHU के एफिलिएटेड कॉलेज बच्चे जो हैं वो इन विभिन्न समस्याओं से जो है वो गुजर रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ दिन पहले ही BHU कन्वोकेशन को लेके एक आप लोगों ने देखा होगा, काफी प्रदर्शन भी हुआ कि कन्वोकेशन एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो है वो अलग होगा। फाइनली छात्रों के सेंटीमेंट्स को देखते हुए, भावनाओं को देखते हुए फिर से वो डिसीजन वापस ले लिया गया। कन्वोकेशन का जो स्थान है वो हमेशा की तरह BHU के मेन कैंपस में ही स्थापित कर दिया गया और वो अब FMC में ही होने वाला है, ऐसा कुछ नोटिस फिर से आ गया। उसी नोटिस में एक और नोटिस आ गया कि BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो सेमेस्टर्स एग्जाम है, जो 6 महीने में हमारे एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम का जो स्थान है वो एफिलिएटेड का अब एफिलिएटेड में ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले BHU के जो एफिलिएटेड कॉलेज बच्चे थे वो सभी अपना एग्जाम MME में देने आते थे या फिर MP3 में देने आते थे जो कि BHU में ही है, लेकिन अब से कुछ कॉलेजेस को प्रतिबंधित या फिर उनके लिए एक नया इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिर से एक नियम बनाया गया है कि आप सभी अपना एग्जाम जो है अब से अपने ही कॉलेज में, अपने ही कॉलेज के प्रोफेसरों के बीच में रहकर दे दोगे। ठीक है, मुद्दा गंभीर है क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत सारा हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि जो बच्चे आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग को फ्यूचर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव का एक स्टेप हो सकता है। हो सकता है कि इस स्टेप के थ्रू कई सारे और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बच्चों ने भारी विरोध भी किया है कि नहीं ये चीजें वापस होनी चाहिए। तो जो जो पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस करूं, आप लोग देखो। सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एफिलिएटेड कॉलेज क्या होता है। तो BHU से एडेड कई सारे कॉलेजेस चलते हैं जो कि लगभग BHU के मेन कैंपस से 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। दूरी इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात बताऊंगा आपको। ठीक है, 10 किलोमीटर के ही दायरे में पूरे कॉलेजेस आते हैं। लगभग 3 से 4 कॉलेजेस हैं जिसमें से लड़कियों के 3 है और एक डीवी है जो कि कोएडेड है, यानी वहां गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। इन 3 कॉलेजेस के ऊपर डिसीजन लिया गया है कि जो उनका एग्जाम होगा सेल्फ कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी कॉलेजेस फिर खुद से कराएंगे, लेकिन डीएवी पीजी को अभी सुधर रखा गया है। इनका जो एग्जाम है अभी भी MP थिएटर में के बगल में MP हॉल में ही होगा। ठीक है, लेकिन इनका जो कन्वोकेशन है, ठीक है, जो दीक्षांत समारोह है वो FMC में ही होगा, ऐसा अभी तक का एक जनरलाइज इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया। BHU है, BHU के अंडर में एफिलिएटेड कॉलेज है और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स की डिमांड इधर है और जो BHU कॉलेजेस के एफिलिएटेड एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो डिमांड है वो इधर है। थोड़ा मोटा हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि अभी एग्जाम जो है उनसे छीन लिया गया है, FMC से हटा के मतलब उनको खुद दे दिया गया है, तो एक एग्जाम है कि ये बच्चों की समस्या है कि एग्जाम जो हमारी है वो MME में ही किया जाए या BHU में जैसे लोग आगे देते थे वैसे ही किया जाए। दूसरा है बेसिक रिफॉर्म होने चाहिए। एफिलिएटेड में बहुत सारे बच्चों का कहना है कि कुछ बेसिक रिफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किया था। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे, क्योंकि हम लोग अब FMC वाले हैं तो मतलब कभी और ऊपर से बॉयज है तो मौका नहीं मिला विजिट करने का, और काफी सुनता हूं रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कई बार मैंने कोशिश की है, एक दो बार मैं गया भी हूं लेकिन बच्चे नहीं थे तब गया, कुछ प्रोफेसरों से मिलने जब मैं गया था। बेसिक रिफॉर्म का मतलब है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या, जैसे कि क्या पानी पीने के लिए नल नहीं है या पार्किंग के पैसे लगते हैं या और भी कोई चीज या व्हाट्सएप के पैसे लिए जाते हैं, जो भी बेसिक चीजें आप प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा क्या है बेसिक रिफॉर्म। फीस जो है बहुत हाई है बच्चों का कहना है, और जो डिग्री है उसके लिए भी संशय है कि अगर ये डिसीजन लिया जाता है फ्यूचर में तो क्या डिग्री एफिलिएटेड खुद से देने लगेगा या डिग्री पे कहीं मेंशन होने लगेगा कि नहीं अभी BHU से नहीं है एफिलिएटेड का है। तमाम बातें जो है इनकी समस्याओं के तौर पर देखा गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता है, टू स्टेबलाइज ओन पावर, वो चाहता है कि हम अपना वर्चस्व बनाए रखें और इसी वर्चस्व की लड़ाई में इस तरीके के डिसीजन है कि एग्जाम हम खुद कराएंगे, कन्वोकेशन हम खुद कराएंगे और जो फीस है इसका भी डिसीजन विश्वविद्यालय से दूर कन्वोकेशन सॉरी एफिलिएटेड कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद देता है। ठीक है,
अब मेन मुद्दा अभी तक जो था ना वो नॉर्मल था, अब मैं यहां से पूरा एक एनालिसिस कर रहा हूं, प्लीज आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक पोल है जिसमें लगभग 600 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, और इस वोट में क्वेश्चन था कि बीएचयू एफिलिएटेड कॉलेजेस का सेमेस्टर एग्जाम उनके कॉलेजेस में ही हो, बीएचयू प्रशासन का यह निर्णय सही है या गलत। तो उसके लिए सही 44% लोग बोले हैं, 51% लोगों ने बोला है कि डिसीजन गलत है, ठीक है, और 6% लोगों ने इसमें कोई भी अपना बयान नहीं लिया है। अब यहां पे पूरी कहानी समझने वाली बात है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं डीयू का। डीयू के जो कॉलेजेस हैं यानी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो शहर के बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, इसीलिए उनका जो सेंट्रलाइज डिसीजन है वो नहीं होता है, कॉलेज के ऊपर डिसीजन होते हैं। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इस तरीके का डिसीजन लिया है कि एग्जाम एफिलिएटेड खुद करा ले, तो बच्चों की तरफ से बात निकल के आ रही है कि हम 50 रुपए अपना खर्चा करने के लिए तैयार है। रीजन ये है कि हम 600 किलोमीटर दूर आके बीएचयू के नाम पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 50 रुपए लगा के हम एग्जाम वाले दिन आने के लिए तैयार हैं, कृपया ये हमसे हक ना छीना जाए, क्योंकि ये स्टेप हो सकता है। कैसे? अभी जब कन्वोकेशन को लेकर लड़ाई हो रही थी तो उसमें ये बात बार बार रखी जा रही है कि जब हम एग्जाम देने कैंपस में जाते हैं तो ये कन्वोकेशन एफिलिएटेड में क्यों होने जा रहा है, जाहिर सी बात है। अब उस कारण को हटा लिया गया, अब एग्जाम देने अगर कल को आप प्रोटेस्ट करते हो तो ये नहीं बोलोगे कि एग्जाम देने आप एफएमसी में आते हो, एग्जाम अपने आप खुद देते हो, तो भाई आप डिग्री भी अपने आप खुद बांट लो। तो इस तरीके का एक स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन अब फ्यूचर में इससे बदलाव क्या क्या होगा वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस परसेंटेज आप स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी है वो आप समझ लो, जो इसमें ये बोल रहे हैं सही है, ये भी लॉजिकली बोल रहे हैं सही है, क्योंकि ये इस वाली बात से डर रहे हैं कि ये पहला स्टेप हो सकता है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि गलत वालों की संख्या ज्यादा है, मतलब बीएचयू एडमिशन ने ऐसा किया है, ये डिसीजन गलत है, इसके परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं लगभग 80% से ज्यादा बच्चे जो है वो इस चीज का अपोज कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। बस आपके कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि हम एग्जाम अपने यहां खुद करा लें, जाहिर सी बात है भाई किसी को भी ये सब चीजें कराने में अपना एक वर्चस्व दिखाने का मौका मिलता है, समझ लो कि नहीं। सही मायने में जो मैं अपने तरफ से एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा एज अ छात्र पीएचयू का, यही है कि आपका कॉलेज ये सब रिस्क इसीलिए ले रहा है, वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। ये बात सही है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन में प्रिंसिपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज की डेट में अगर ये सब डिसीजंस लिए गए हैं तो सबसे पहले आराम से इसके लिए आपके प्रिंसिपल्स भी एक लेटर वीसी को लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रिंसिपल्स का इस पे कोई बयान ऐसा नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि मैं ना कहीं मैं समझता हूं कि एफिलिएटेड कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है वो इन सभी चीजों से सहमत हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सहमत है, हो सकते हैं। फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनसे मैं डायरेक्टली बातें करूं, इंटरव्यू लूं, और बहुत सारी बातें और भी निकल के आए कि ये सब डिसीजंस वो लोग सहमति से लिया गया है या हमारे जो प्रेजेंट वर्तमान वीसी साहब है वो जबरदस्ती मनमानी करके ये सब चीजें उनपे थोप रहे हैं। ये सब चीजें भी डिस्कशन का मुद्दा है, अभी सब बातें निकल के आई नहीं है, ठीक है। अब बच्चों की जो डिमांड है वो यही है कि ये जो पहला स्टेप है इस स्टेप को वापस ले लिया जाए, नहीं तो हो सकता है कल को कन्वोकेशन के लिए भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। लेकिन मुद्दा यहीं तक नहीं है, एक एग्जाम में रिजल्ट को लेके बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट को लेके देखो क्या है, ठीक है, रिजल्ट को लेके बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ी बात बोल गए कि सर अगर एफिलेटेड के एग्जाम हमारे यहां ही होने लगे, यानी एफिलेटेड में ही होने लगे, तो हमारे क्लासरूम्स की जो क्वांटिटी है, जो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, बच्चे जनरल प्रोफेसर जो होते हैं जनरली बच्चों को बाई फेस जानते हैं, ऐसे में हमारी जो हमारी मार्किंग है वो मार्किंग इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, जो हमारे मार्क्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे प्रोफेसर जो है वो चेहरे देख के मार्क्स दे सकते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा था, मेरे पास पूरा मैसेज था तो उसमें मैं पढ़ा, उसमें बच्चों के ऐसे भी प्रॉब्लम्स थी कि मार्क्स में ये चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक जब एमएमबी में आके बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनकी कॉपी कोडिंग कर दी जाती है और प्रोफेसर आके कॉपी चेक करते हैं, पता नहीं चलता है कि कॉपी किसकी चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एग्जाम खुद वो कराने लगे तो कल को मेन ही कॉपियां वो खुद वहीं चेक करने लगे, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी कि ये क्या पार्शियलिटी से मार्क्स दिया गया है या ऑनेस्टी से मार्क्स दिया गया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भेदभाव क्रिएशन का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में हीन भावना पैदा हो रही है कि हमारे मार्क्स क्या हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे या वो चेहरे देख के दिए जाएंगे। ये भी बच्चों की तरफ से ही समस्या आई थी, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और मुझे लग रहा है कि ये सही बात भी है, ऐसा होता है। फिर कल को मेडल उनका अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बहुत सारी चीजें, जैसा मैं बोला ना कि पहला स्टेप हो सकता है, ये बदलाव का एक पूरा जो है वो एक पहला प्रोसेस हो सकता है।
मेरी तरफ से प्रशासन से जो बातें हैं वो मैं अब लास्ट में कह रहा हूं और मैं मुझे लगता है कि ये आप भी सहमत करोगे। सबसे पहले बीएचयू प्रशासन को तो ये चाहिए था, ये डिसीजन ना देके कि एफिलेटेड को अलग एग्जाम देने अपना खुद से करा ले, इसकी जगह पे उनको करना चाहिए था कि हम आपको अब बस मुहैया कराएंगे और आपके एग्जाम वाले दिन आपके कॉलेज के गेट से बच्चों को उठाएंगे और आपके पूरे बड़े ही सुरक्षा के साथ आपका एग्जाम कराएंगे और उसके बाद हम आपके कॉलेज जाके आपको छोड़ेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा डिसीजन लेता तो मुझे बड़ा खुशी होता और मैं ये सोचता कि चलो कम से कम इन लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा एक डिसीजन लिया गया कि चलो इस महंगाई में इतने महंगे पेट्रोल के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना बस भेजा और बच्चियों को बुलाकर उनका एग्जाम कराया, कितना अच्छा हो जाता। मतलब हमारी आजकल गवर्नमेंट है या जो प्रशासनिक लोग होते हैं या जो बहुत विद्वान लोग होते हैं जो ये विश्वविद्यालय चलाने का काम करते हैं, ये बात नहीं समझ में आती है। बच्चा पढ़ने आया है तो आप उसको एक फ्रेश माइंड दो, आप ये देखो कि वो लड़का कैसे हेल्दी माइंड का इन्वायरमेंट बनाए और कैसे मेहनत करे अपनी पढ़ाई में। आए दिन जब आप उसे ऐसे भड़काते रहोगे, अनाप शनाप डिसीजन लेते रहोगे, क्योंकि ये डीओ नहीं है, ये बीएचयू है, बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेज 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में आना, जब आप जानते हो कि बच्चों का ऑलरेडी सेंटर ऑफिस में 75 बार आप दौड़ाते हो, तो क्या एग्जाम वाले दिन वो खुद के लिए नहीं दौड़ सकता है? क्यों नहीं दौड़ सकता है भाई? व्हाट्सएप के लिए कई बार आपके यहां आते हैं, कई बार कई फंक्शंस के लिए आपके यहां आते हैं और संबंध कॉलेज के जो बच्चे हैं वो फैंसी से अलग नहीं है। इस तरीके की हीन भावना अगर आप क्रिएट करते हो बच्चों के मन में तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गलत कर रहा है। आपके बस एक डिसीजन से सोचो उनके माइंड पे कितना असर पड़ रहा है, यही नहीं उनके गार्जियन के ऊपर भी असर पड़ रहा है, उनके रिश्तेदारों, उनके आजू बाजू पड़ोसियों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। वो बात अलग है कि ये बातें कुछ बच्चे भी बोल निकल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हमें बहुत गर्व है, वही पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं गर्व का विषय वो भी है कि आप एफिलेटेड में पढ़ते हो। अगर एफिलेटेड पे ही मैं बोलना शुरू कर दूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं शायद यहां तक स्टेटमेंट दे दूं कि एफिलेटेड कॉलेजेस की पढ़ाई एफएमसी से लाख टाइम ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हो? मतलब बहुत अच्छा है एफिलेटेड में। जैसे VCW, उन्होंने कितनी अच्छी नेट में ग्रेडिंग प्राप्त करी है, वहां के कई सारे प्रोफेसर मेरी कई बार बात हुई एफएमसी के जो प्रोफेसर है उनका एक रिव्यू है कि नहीं VCW में अच्छी पढ़ाई होती है। कई सारे कॉलेजेस जो है उनकी पढ़ाई सच में डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से बच्चों को एक पॉजिटिव रिस्पांस, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। इस तरीके का बार बार भड़काओ काम, कभी हम डिग्री यहां बांटेंगे, कभी हम फीस बढ़ा देंगे, कभी हम मतलब कुछ भी अनाप शनाप चीजें क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है। भाई आप इस विद्यालय चला रहे हो, बच्चों को फ्रस्ट्रेट थोड़ी कर रहे हो। देखो ये डिसीजन एक समय के लिए मैं मान सकता हूं कि चलो बच्चे दूर से आएंगे, ठीक है बच्चे दूर से आएंगे, आप उनका ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा रहे हो। कितना बचा रहे हो? 6 पेपर होता है, 50 का भी अगर खर्चा करता है तो 3-3.5-4 रुपए बचाओगे, आप कितना बचा लोगे? एक काम करो आप ये पैसे बच्चे पैसे लगा के आ जाते हैं, अगर आपको इतनी सुविधा देनी है तो आप ये 500 रुपए उनके अकाउंट में डाल दो कि भैया ये 500 रुपए हम बस नहीं दे पाए और ये 500 रुपए आपको एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं कि आप ये पैसा लगा के एग्जाम देने आया करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय कि जो भी बच्चे हैं थोड़े सेंटीमेंट से जुड़े हैं, बीएचयू का टैग अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे मैक्सिमम लड़कियों के रिव्यू मिले यही मिले कि सर या भैया मुझे बीएचयू का ये टैग बड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी बड़ा खुशी होता है कि महामना की बगिया से, महामना जी के द्वारा बनाए गए इतनी बड़ी बगिया से अगर कुछ लोग इस तरीके से खिलना चाहते हैं, सुगंधित होना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं समाज को, पढ़ना चाहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ये अनाप शनाप के डिसीजन बीएचयू को नहीं लेना चाहिए। हाँ, और अगर डिसीजन लेना है तो सुविधाओं को लेके लो, आप उनकी फीस इतनी ज्यादा रहती है, आप सब्सिडी दो उन्हें, भाई एजुकेशन फ्री होना चाहिए, आप इतने फालतू पैसे क्यों लेते हो? ठीक है वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज अपनी फीस कम करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप उन्हें पैसे दे, ठीक है अपना फीस जो ले रहे हैं लेने दो, लेकिन हम आपको अब सब्सिडी देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे, तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये इधर मतलब आप मेंटली टॉर्चर करने के लिए बहुत डिसीजन ले लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मैं कमेंट आप लोग के पढ़ूंगा तो फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा कि आगे क्या डिसीजंस आ रहा है। एक बस पॉइंट है कि वो आपका ट्रांसपोर्ट बचाना चाहते हैं इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिए, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा सा लॉजिक है, 50 रुपए की बात है और जो बच्चे अफोर्ड आराम से कर सकते हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है। बच्चे खुद कमेंट करके बताएं कि क्या आपके क्या व्यू हैं, आप क्या कहना चाहते हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कमेंट 600 पूरा
क्रॉस कर जाना चाहिए, अपने बस रिव्यू से सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो हर किसी को, और मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी बातें बाहर निकल के आना चाहिए, जो भी आपके अंदर एक दर्द है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है अपने कॉलेज को लेकर, वो सब बाहर आ जाना चाहिए कि आपके कॉलेज में एक्चुअली होता क्या है। हम लोग नहीं जा पाते, आप मुझे बताओ कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यहाँ कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप लोग उन्हें अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, हर हर महादेव।